हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग नई वीडियो को शूट करने के लिए आए हैं और जैसा हमारे पीछे आप देख रहे हैं यमुना नदी का आज हम लोग आपको व्यू दिखाएंगे किस तरह से दिख रहा है। आपको चारों तरफ काफ़ी बहाव है पानी का। बोट क्लब बंद हो चुका है, कैमरे को घुमाएंगे और दिखाएंगे आपको। दिख रहा है चारों तरफ प्रेशर है नदियों का और इस समय नदियाँ उफान पर हैं और यमुना नदी भी काफ़ी उफान पर है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बोट क्लब बंद हो चुका है फ्लूड के कारण, चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है आपको। जैसा आपको दिखाई दे रहा, नावें जो हैं बंद हो गई हैं चलना, स्टीमर भी बंद हो गया है चलना यहाँ पे और बोट क्लब टोटल बंद कर दिया गया है। ये अभी 2-3 महीने बाद ही चलेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि नावें थोड़ी बहुत जो चल रही हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशनल लोगों को तैरना आता, इसलिए यहाँ पे जो है बोट क्लब तो बंद हो गया है लेकिन प्रोफेशनल लोग यहाँ पे नाव चलाते हैं। तो बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। जैसा पीछे दिख रहा है, न्यू पुल है यमुना प्रयागराज का, ये न्यू ब्रिज है, गाड़ियाँ ऊपर से गुजर रही हैं और नीचे आप यमुना नदी का नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू है। यमुना नदी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे दो नदियों का संगम है, गंगा और यमुना नदी का संगम है और ये यमुना नदी है और आगे किले से होकर के जाके ये संगम होता है, गंगा नदी से मिल जाती है। उधर से गंगा नदी आ रही, उधर से यमुना नदी प्रवाहित हो रही है। तो बहुत सुंदर व्यू है, आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है और यहाँ पे नावें बंद हो गई हैं। तो प्रयागराज में आप यमुना नदी का नज़ारा देख रहे हैं, कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। जैसा आपको दिख रहा है कि ये सामने सीढ़ी है और सीढ़ी से नीचे उतर करके हम लोग आगे बोट क्लब की ओर जाते हैं। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आगे है और बोट क्लब जो है यमुना नदी पे बहुत अच्छा बनाया गया यहाँ पे आपको घूमने के लिए। लेकिन ये दिख रहा है सीढ़ी डूब गई है, यानी अब ये सीढ़ी जब तक नीचे तक पानी, वाटर सप्लाई इसका नीचे तक नहीं रुकेगा तब तक ये जो है बोट क्लब बंद रहेगा। और देख रहे हैं सीढ़ी पूरी की पूरी डूबी हुई है। आगे आपको दिखाना चाहेंगे कैसे अब पिलर के नज़दीक तक पानी पहुँच रहा है यमुना ब्रिज। जैसा आप देख रहे हैं, ये न्यू पुल है इलाहाबाद का, ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं और नीचे से यमुना नदी प्रवाहित हो रही है। काफ़ी बहुत यमुना नदी जो पानी काफ़ी जो है नीला नीला होता था, इस समय एकदम मटमैला हो गया है काफ़ी, क्योंकि इसमें मिट्टी बह बह के आ रही है और ये मिट्टी बह करके पूरे आगे बढ़ती हुई जा रही है, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो जैसा आपको दिख रहा है बहुत सुंदर व्यू है और मिट्टी के मिलने के कारण जो है यमुना नदी काफ़ी इसमें गंदी हो गई है। बाद में 2-3 महीने बाद जब जल स्तर नॉर्मल होता है तब यमुना नदी का जो वाटर है वो काफ़ी ब्लू एकदम दिखता है, लेकिन इसमें एकदम जो है जैसा आपको दिख रहा है मिट्टी मिली हुई है, इसलिए एकदम से मिट्टी से मिले होने के कारण जो है इसका पानी इसमें गंदा दिख रहा है।